हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन किया है और यहाँ पर कहानी बड़ी अजीब है। यहाँ पर आपको ऊपर कॉलम्स तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन रो की बात करें तो रो जो है आपको दिखाई पड़ रहा है राइट साइड में, और कॉलम्स भी देखिए कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। राइट साइड से ए शुरू हुआ है, फिर बी, फिर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसी की बात करेंगे हम। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल पे आपको जाना है और फाइल पे जाने के बाद आप चले जाइए ऑप्शन पर, और जैसे ही ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडवांस दिखाई पड़ेगा। बस इस एडवांस पर आ जाइए आप, और इस एडवांस पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए आ जाना है, नीचे की तरफ बढ़ते हुए आ जाइए, और नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते आप आ जाइए सीधा कहाँ पर, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, और इसके ठीक नीचे आपको मिलेगा डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस। ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे शीट के लिए है, यहाँ पे बुक के लिए है, वर्कबुक के लिए है। तो अभी हम वर्कशीट की बात करेंगे। तो वर्कशीट पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए शो शीट राइट टू लेफ्ट, इस पे हमने टिक कर दिया है, शो शीट राइट टू लेफ्ट, इस पे हमने टिक कर दिया है। इसको अनटिक कर दीजिए आप, और अनटिक करके ओके करेंगे तो फिर ये वापस ऐसे ही बदल जाएगा। फिर आपको लेके आना हो तो फिर वहीं पे चले जाइए, यहाँ से ऑप्शन पे जाइए और ये खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए और फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आ जाइए, और यहाँ पर जैसे डिस्प्ले वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा तो यहाँ पर हमें आना है, और फिर ये देखिए शो शीट राइट टू लेफ्ट, तो इस पर आप टिक कर दीजिए और ओके कर देंगे तो फिर देखिए फिर ये इसी कंडीशन में आ जाएगा।